हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल डिज्नी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज वापस से मैं आपके सामने न्यू 1 मिनट 1 कंसेप्ट की क्लास लेके आई हूँ। अगर आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, ठीक है। रेगुलरली सुबह ये 9 बजे क्लास होती है, तो सुबह 9 बजे लेना ना भूलिएगा। तो इसमें आपको निकाला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये मैं आपको बहुत बार सिखा भी चुकी हूँ शायद, कि जब भी इस टाइप की फिगर दे रखी हो और आपको लग रहा हो कि इसमें से कुछ पोर्शन आप निकाल सकते हो, तो आप अलग अलग पोर्शन निकालो। जैसे कि इसकी अलग निकाल सकते हैं, इसकी अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। 8 का डबल कितना हो गया, 16। तो बीच में 16 ट्राइंगल्स हैं। 17वां ये हो गया, 18वां ये हो गया, 18 ट्राइंगल्स तो फिक्स हो गए। अब इन दोनों को मिला के एक ट्राइंगल बनेगा, ये रहा 19, और इन दोनों को मिला के एक ट्राइंगल ये बनेगा 20। तो कितने हो गए आपके, 20 ट्राइंगल्स। कितना आसान था, कुछ था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो वो चीज़ निकाली जो आपको आती है, जैसे कि बीच का निकालना आता था, इसका इधर का निकालना आता था। फिर क्या करोगे आप, दो को मिक्स करके बनाओगे, दोनों को मिक्स करके कुछ नया बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसको रखोगे आप लोग। समझ में आया, तो इसका आंसर 20 हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब सा है, ये सवाल शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा, पर सवाल में कुछ नहीं है, ये सवाल दिया ही इसलिए गया है जैसे कि आपको समझ में ना आए। बस सवाल देखिए, किसी फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन भत्ता कितना है, 1534 रुपीज़ है, साप्ताहिक वेतन है। एक मजदूर का साप्ताहिक वेतन भत्ता कितना है, 118 रुपये। तो फैक्ट्री में कुल मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल देखना, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा कि एक मजदूर का 118 रुपये मजदूर है, मतलब साप्ताहिक, मतलब एक हफ्ते की सैलरी है मजदूर की, वो 118 रुपये एक मजदूर की। मान लीजिए एक्स मजदूर काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के साप्ताहिक कितना हो गया, एक हफ्ते में कितना पैसे मिलेंगे, 1534। तो एक्स कितना हो गया, डिवाइड कर लीजिए 13, आपका सही आंसर रहेगा। कुछ था इस सवाल में, कुछ नहीं था। ये सवाल दिया गया है इतने साप्ताहिक वेतन, ठीक है, मजदूर, इतने भारी भारी शब्द देके क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को केवल टफ बनाया गया है। अब खुद सोचिए, मान लीजिए एक हफ्ते में एक मजदूर को 10 रुपये मिलते हैं, अगर ऐसे ही 10 मजदूर काम करें तो कितने मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे है। एक मजदूर को 118 रुपये मिलते हैं एक दिन का, एक हफ्ते का। अगर ऐसे एक्स मजदूर काम करेंगे तो टोटल कितना मिल रहा है, 1534। तो एक्स की निकल जाएगी, तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 13 मजदूर काम करेंगे 118 रुपये में, एक हफ्ते की सैलरी है उनकी, तो इतने रुपए कमा लेंगे वो लोग टोटल मिलके। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया। ये सवाल में केवल टफ इसलिए बोला गया, मैंने क्या बोला, ये सवाल आएंगे जरूर, केवल आपको कंफ्यूज करने के। तो ऐसे सवाल डरे ना आप लोग, कृपया करके सवाल को पढ़ें कि उसे पूछा क्या हुआ है। हो सकता है कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हो, केवल शब्द ही बड़े भारी भरकम दे रखे हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल वापस से, बाय।